देंगे चलो लेट्स कम टू द गुरु गुरु गुरुदेव गुरु गुरुदेव गुरु 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 सात्विक प्लैनेट स्योर प्लैनेट स्थिर प्लैनेट ब्राह्मण प्लैनेट जिसका पीला रंग है ठीक जिसका तत्व आकाश तत्व है आकाश तत्व क्यों आकाश तत्व के बिना अच्छा एक चीज बताऊं पहले कई बार पहले ही बताई है इस इस पृथ्वी के पांच प्रकार के यूजली जो प्राणी देखे जाते हैं सबसे पहला पेड़ पौधे दूसरे लेवल पे ये जलीय जंतु या रेंगने वाले जंतु तीसरे लेवल पे पशु पक्षी उड़ने वाले फ्लाइंग बर्ड्स चौथे लेवल पे पे चार पांव वाले पशु और पांचवे लेवल पे पुरुष हर सारी क्रियाएं सब में सेम होती हैं क्योंकि सारे लोग सारे हर हर प्राणी इस जीवन में भोजन करता है क्रियाएं करता है उससे बच्चे पैदा होते हैं उससे वंश आगे बढ़ता है आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य से नीचे की यू, क्या है, में नहीं है आकाश क्योंकि आकाश तत्व मेडिटेशन का तत्व है। आकाश तत्व के बिना मेडिटेशन नहीं होती और ध्यान मुद्रा के लिए आकाश तत्व चाहिए तो गुरु का जो तत्व है, वो आकाश तत्व है और आकाश तत्व ही इंसान को अदर योनियो से डिफरेंट करती है और ये ये जो एक इम्पैक्ट है ये जो बोल सकते हो जो जो प्राप्ति है वो सिर्फ यू, मनुष्य योनि के पास है इसलिए मनुष्य को इस आकाश तत्व का भरपूर योग यू, यूटिलाइज यू, 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 करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके बेटर कर सके बाकी सारी क्रियाएं तो सारे सारी योनि करती हैं ठीक मेटलिस्टिक वर्ल्ड उनके लिए कोई मेटलिस्टिक वर्ल्ड नहीं होता मतलब पशुओं के लिए कोई मेटलिस्टिक वर्ल्ड का क्या मतलब है बस ज़्यादा किसी कुत्ते को अगर तो 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 सबकी सब सबकी ग्रोथ होती है आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि बिल्कुल डिफरेंट तत्व है मनुष्य में और नीचे की में। गुरु का तत्व आकाश तत्व है गुरु विधा का कारक ग्रह है संतान का कारक ग्रह है गुरु गुरु शुभ ग्रह है गुरु कफ प्रवृत्ति का ग्रह है गुरु का धातु है सोना उसका धातु है चर्बी उसका शारीरिक इंपैक्ट है चर्बी और सोना जो है गुरु का पीला रंग सोना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोना गुरु को बहुत पसंद है ठीक गुरु का जो डायरेक्शन है ईशान ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु की डायरेक्शन बनी गई है गुरु के जो दो राशि है धनु राशि और मीन राशि गुरु की दो राशि है राशि मीन राशि और गुरु जो उच्च का माना गया कर्क राशि में उच्च का माना गया यानी कि चार नंबर की राशि में उच्च का माना गया means, राज के घर में गुरुदेव उच्च की पद्धति में बैठते हैं देखो जब राजमाता के घर में गुरुदेव जाते हैं तो राजमाता भी हाथ जो के गुरुदेव को प्रणाम करती हैं, ठीक गुरुदेव को इस और जबकि राजमाता को सब प्रणाम करते हैं राजमाता को सब परिणाम करते हैं लेकिन राजमाता गुरुदेव को परिणाम करती हैं, तो गुरुदेव के राजमाता के घर में गुरुदेव के माने गए हैं और एट द सेम टाइम गुरुदेव जो है मकर राशि में नीच के माने गए हैं चौथे का उल्टा दस संभव मकर राशि में गुरुदेव नीच के माने गए हैं मकर राशि अगेन शनि की राशि शनि की राशि सिपाही की राशि सिपाही जो है नीच जो ग्राउंड ग्राउंडेड लोग होते हैं वो आमतौर पे पाखंड बोलते हैं फिर ऐसे में तो वहां पे वो नीच के माने गए हैं ठीक गुरुदेव गुरुदेव की दो राशि धनु और मीन और गुरुदेव धनु राशि के अंदर मूल त्रिकोण के होते हैं इस प्रकार से अगर गुरु धनु राशि में विराजमान है चाहे यानी कि नौवे घर के अंदर विराजमान है धनु राशि वहां पे आए या ना आए यानी कि नौवे घर में है नौवे घर में बैठे हुए गुरु इज वेरी पावरफुल इट्स वेरी पावरफुल नाइन्थ हाउस में बैठे हुए गुरु ठीक है ऐसा व्यक्ति इंसान धार्मिक होगा बहुत ही यशस्वी येश्व, होगा और नौवे घर के जो बेनिफिट होते हैं वो इंसान को जीवन में प्राप्त होते हैं नौवे घर से पिता भी देखते सुख और ऐसे बच्चे के जन्म होने के बाद पिता का भाग्य बदल जाता है ठीक क्योंकि बच्चा जन्म ले जन्म लेके ले आया नौवा घर में गुरु तो पिता का भाग्य बदलता है उससे गुरु पुरुष ग्रह है गुरु गुरु का जो जो अगर इसी प्रकार कर्क राशि में यानी कि चौथे घर में अगर गुरु बैठे हैं तो चौथे घर में बैठे हुए गुरु भी बहुत पावरफुल है चाहे कर्क राशि वहां पे आए आए या ना गुरु गुरु सोलर सिस्टम का का सबसे बड़ा है है लार्जेस्ट जो जो ब्राइटनेस है वो माना गया है कि सूर्य के बाद सबसे अच्छी ब्राइटनेस जो है वो गुरु की मानी गई है ठीक है एंड uh, गुरु इज ए प्लान एक्सपेंशन उनको माना गया बड़ा करना किसी चीज को विस्तार करना बिगेस्ट पे लेके आना गुरु को हर चीज बड़ी नजर आती है हर चीज बड़ा विस्तारवादी विस्तारवादी गुरु अब इसी प्रकार से जैसे सबके वीडियोस ऑफ हो गए सबके वीडियोस विस्तार के रूप में जाए मुझे भी नींद आ जाती है भैया वीडियो खुल के रखा सर, भी नहीं आशी गुरु गुड इवनिंग आशीष जी गुरु अब हमने बोला सर, गुरु विस्तार का प्लान है विस्तार जब कोई बीमारी फैलती है उसका गुरु का प्रमुख योगदान होता है गुरु बीमारी को फैला देता है, जहां पे गुरु रुकता है वहां से से क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज़ डिजीज़, चालू चालू होती है, शनि और राहु हो जाते हैं, बीमारी है हुआ, हुआ, उसका विस्तार कर देगा गुरु शुगर का कारक है सात्विक का प्लैनेट है और अंधेरे से उजाले की तरफ विजडम का कारक क्या यानी कि इग्नोरेंस को रिमूव करना डार्कनेस को रिमूव करना रोशनी देना ज्ञान देना ठीक उसका सब का कारक गुड। ब्रा, का का गुरु इज अ वेरी ऑस्पिशियस ग्रह प्लैनेट एजुकेशन सेल्फ लायंस ठीक ब्राह्मण प्लैनेट है रिलीजियस एक्टिविटीज का कारक गुरु गुरु मैनेजमेंट का कारक है गुरु पैसे का कारक गुरु जो है फ्रूटफुल प्लैनेट है मस्कुलिन प्लैनेट है गुरु पावरफुल प्लैनेट है गुरु द, आ, हमारे फैट का कारक गुरु है हमारी नोज लीवर, कफ का कारक हमारा गुरु बनता है गुरु फीमेल की चार्ट के अंदर मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शादी अगर फीमेल की चार्ट में शादी के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट गुरु है शुक्र को इंसान के ऊपर देखता है शुक्र साथ सत गुरु शुक्र शादी के बाद ज्यादा कारक है क्योंकि शादी के बाद शादी के रिलेशनशिप महाशुक्कर का योगदान ज्यादा बढ़ता है बट शादी के लिए गुरु का इंपॉर्टेंट योगदान देखा जाता है अगर आ, किसी महिला की कुंडली में अगर ट्रांजिट में सेवंथ हाउस ट्रांजिट में ट्रांजिट करेंगे तो याद रखना इस बात को सेवंथ हाउस सेवंथ हाउस का स्वामी से गुरु का कनेक्ट बन जाए तो समझो शादी का योग वैसे ही बन गया कैसे बनेगा आगे बताएंगे बट इस टिप्स को याद रखना ठीक गुरु आ, किसी भी बीमारी को डायबिटीज को या किसी और लाइलाज बीमारी को क्रॉनिक डिजीज को फैलाने का काम करता है बढ़ाता है और ये अगर राहु के साथ बन जाता है तो बहुत ज्यादा विस्तार कर देता है जिसको एक बुरा योग भी बोलता है गुरु चंडाल योग भी बोला जाता है गुरु फादरीय पर्सनैलिटी फादरीय फिगर का कारक ग्रह है गुरु और गुरु का जो गुरु का जो नक्षत्र है वो तीन नक्षत्र पूर्णवासु विशाखा और पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद पद ये गुरु के तीन नक्षत्र है गुरु किसी राशि में एक साल तक गुरु किसी राशि में विराजमान रहते हैं गुरु की जो दशा होती है महादशा वो सोलह साल की रहती है और गुरु आ, के जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट उसका मेन दर्शन ब्रास इसका मेटल है या गोल्ड इसका मेटल है गोल्ड का अल्टरनेटली ब्रास यूज किया जाता है लेकिन गोल्ड इसका प्राइमरी मेटल है गुरु का ठीक गुरु का जो बीज मंत्र है वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः गुरु का जो तांत्रिक मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः ओम भम बृहस्पति नमः गुरु की जो आइटम है वो चने की दाल पीले फूल पीले वस्त्र घी और आ, हल्दी ठीक कोई भी ऐसे फ्रूट जो पीले हैं, केला केले का पेड़ बुक्स ठीक ये सब गुरु के आर्टिकल्स माने जाते हैं गुरु के मेटीरियल्स माने जाते हैं सारे ठीक गुरु अगर किसी की पत्नी में अच्छा काम कर रहा बेनिफिट काम कर रहा इट इज वेरी पावरफुल प्लानट इट गिवेरी गुड हेल्थ वेरी गुड लॉन्जिविटी ठीक है इंसान को विजडम देता है गुड फॉर्चून देता है डिग्निटी देता है सोशल मॉरल सक्सेस देता है इंसान को एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बनाता है और उसको एक सहनशील बनाता है प्लस उसका जो सोचने समझने की शक्ति होती है दूरदृष्टा होती है बड़ी स्ट्रांग बनाता है बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है गुरु तत्व का प्लेनेट इंसान फालतू टॉक नहीं करता लूज बातें नहीं करता बहुत ही मेच्योर्ड बातेंड हो जाता है, है इंसान गुरु जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति अपनी बीमारियों से जल्दी बाहर आ जाता है लेकिन एक चीज याद रखे अच्छे गुरु वाला भी मोटापे की शिकार होता है और उसको मोटापा बहुत जल्दी आता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं तो वो जल्दी मोटा हो जाएगा चाहे वो शादी हो चाहे ना हो गुरु की दशा आ गई तो वो मोटा मोटाएगा ये नहीं, ये रूल है जिसका गुरु अच्छा है वो मोटा होएगा अगर उसकी दशा आ गई तो सो बी ऑन टॉप ऑफ इट ऑलवेज खासतौर से लेडीज जिनको हमेशा रहता मोटापेगा राइट right. सो so, गुरु पैसे का कारक प्लान है गुरु फैमिली का कारक प्लान है गुरु मैनेजमेंट का कारक प्लान है गुरु फ्रू रेस्टोरेंट यानी कि खाने पीने से जो चीजें होती है, उन कारक है गुरु गुरु अगर किसी का अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती की लविश लाइफ जीने के तरफ आकर्षित होगा ठीक है ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा ओवर एक्सट्रीमिस्ट होगा उसके जो एटीट्यूड होगा वो केयरलेस एटीट्यूड होगा और मतलब उसकी जो जजमेंट होंगी या कैलकुलेशन होगी वो आमतौर पे सटीक नहीं बैठेंगी मिस कैलकुलेशन या मिस जजमेंट कह सकते हो गुरु जो है जिसका अफ्लिक्टेड गुरु होगा वो उस व्यक्ति को शुगर या डिजीज या आ, कफ रिलेटेड समस्याएं होने की संभावना जल्दी हो जाती है उसका शारीरिक एक होता है शारीरिक मोटापा होना लेकिन इंसान हेल्दी होता है एक होता शारीरिक मोटापा होना और इंसान का जो बदन है वो उसका इम्बेलेंस हो जाना तो जिसका गुरु गड़बड़ा जाता है उसका गुरुआलेंस हो जाता है उसकी बॉडी हो जाती है है ठीक जिसका गुरु नेगेटिव इफेक्ट देता उसको बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम आती है और बच्चे के साथ हमेशा उसकी चिंता बनी रहती है गुरु बच्चे का, का कारक ग्रह है प्राइमरी कारक ग्रह है बच्चे का ठीक गुरु चौथे घर का पांचवे घर का प्राइमरी कारक ग्रह है गुरु तो बच्चे का काम प्राइमरी कारक ग्रह है वो व्यक्ति दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता वो व्यक्ति की अपनी आंतरिक प्रॉब्लम होती है वो व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाता ये उसकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो होपलेस जल्दी हो जाता है लाइफ के अंदर जल्दी से अपने हाथ पैर छोड़ देता है जिसका गुरु एफेक्टेड होता है गुरु गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जिसके जिसके लगन में गुरु बैठा होगा जिसके लगन में गुरु बैठा होगा उसके फेस पे एक अलग तेज होगा क्योंकि गुरु जो है कॉम्प्लेक्शन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन ये नहीं है कि उसका मतलब जो है इट्स लाइक like, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट होगा बट एक फील फैक्टर उसके फेस पे रहेगा जिसके लगन में गुरु बैठा होगा और उसका जो जो हेड होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा ब्रॉड चो, गेहूं कलर होगा उसका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन उसका जो माथा होगा वो भी चौड़ा होगा चौड़े माथे वाले से आप पहचान जाओगे ये व्यक्ति तो तीन नंबर से लेट कर रहा है या इसके लगन में गुरु के नगर ही बैठा हुआ है ये आप पहचान पाएंगे ठीक जैविन सर का गुरु कहां पे है सर।, जैविन सर गुरु कहां पे है आवाज नहीं आ रही लगन में लगन में 815 के हिसाब से लगन में है ना गुरु का अपीयरेंस ब्राउनिश आईज भी गुरु का अपीयरेंस में आता है हेल्दी हेयर्स गुरु की अपीयरेंस के अंदर आता है ठीक और एक गुरु का जो डील डॉल होता है वो जरा भारी भरकम होता है उसकी वॉइस भी जो होती है वो जरा भारी वॉइस होती है और लॉर्ड वॉइस होती है तेज दमदार वॉइस होती है व्यक्ति की गुरु वाले की गुरु गुरु के साथ एक बॉडी पार्ट जो जुड़े होते हैं नॉर्मली वो किडनी फिट लंग्स ये फैट आर्टरीज मतलब ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरीज के अंदर ट्यूमर लिवर ये सारे गुरु के पार्ट है ये मेजर पार्ट है बॉडी के सारे लिवर किडनी लंग्स ठीक ये मेजर पार्ट है Heavy thighs, गुरु को करती है। Strong thighs, गुरु को करती है। Weak thighs, गुरु की दर्शाती तो आ, फैट हो गया ठीक है ये ये इसलिए गुरु का जो लीवर जैसे लीवर बढ़ जाता है लीवर बढ़ना किडनी का बढ़, आ, में दिक्कत आना लंग्स की दिक्कत आ जाना लंग्स लंग्स जो है सांस का कारक है अभी जो कोरोना काल के अंदर लंग्स की समस्या आती थी, थी लोगों को राइट गुरु जो है कफ का कारक है, है एयर ऑक्सीजन का कारक है गुरु अब जितनी बीमारी ये आ रही थी उसमें काफी योगदान गुरु का होता था ठीक सांस का सांस सांस संबंधी समस्या गुरु से आती थी, थी वो उसके अंदर गुरु और बुद्ध दोनों क्योंकि बुद्ध जो है वाणी का आ, उसका नर्व सिस्टम का कारक होता था ठीक अः गुरु के जो प्रोफेशन होते हैं गुरु के प्रोफेशन मैनेजमेंट के कारक ग्रुप मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजर गुरु है जज या servant, या या गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाई प्रोफाइल डिसीजन मेकिंग लोग मैनेजर्स ठीक है रिलीजियस वर्कर्स रिसर्चर्स एडिटिंग या एडिटिंग या लकड़ी पढ़ा प्रोफेसर कॉलेज इन सब सबसे लॉयर्स रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं जो भी कार्य होते हैं पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग बुद्धि बुद्धिमता का कारक जहाँ बुद्धि का काम हो जहाँ पे मतलब एक एक बुद्धि में भी दो प्रकार का जहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक एक मेच्योर माइंड की जरूरत है जहाँ पे एनालिटिकल माइंड चाहिए वहां बुद्ध है जहाँ मेच्योर माइंड चाहिए वहां पे गुरु है मेच्योर माइंड ठीक है एक डिजाइनर फ्री की एक्टिविटी फ्री का कंसल्टेंसीज कंसल्टेंसीज का कारक बुद्ध है ठीक इन सब एक्टिविटीज का दि� कारक बुद्ध है